सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भी यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आया था और यहाँ सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है एक्चुअली कोई चोर है, वो चोरी करके ये जो नीचे नाली नहीं है इसमें चला गया है, छुप के भाग रहा है। एक्चुअली लोग अभी इसी को निकालने में लगे हुए हैं। नेशन को पता नहीं चला कहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ है या कहीं वो आगे निकल गया है। सो दिल्ली के लिए ट्रेन तो मिली नहीं, सो सिलीगुड़ी के लिए बस बुक कर लिए, 6 बजे की बस है। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं बाहर, थोड़ा यहाँ आसपास एक दो बाज़ार है वहाँ जाएंगे। बाकी ये वो रहा जहाँ पे वो चोर भागा था, वैसे उसके अंदर पानी है पूरा। एक्चुअली जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने यहीं कहीं वो हॉस्टल बुक किया था, ये एक्चुअली में सेम एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे अभी भी उस चीज़ की रिपोर्टिंग चल रही है जो यहाँ पे जो चोरी हुई थी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अभी तक चोर पकड़ा गया है और पता नहीं कुछ बड़ा चोरी करके भागा होगा मे भी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पल्टन बाजार, लाइक 2-3 किलोमीटर है यहाँ से आई गेस यही है पल्टन बाजार का बाजार। राइट साइड में भी हैं थोड़े बहुत शॉप्स, या मे भी और भी हैं। ऐसे कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है, बल्कि नॉर्मल मार्केट लग रही है। सो ये है पान बाजार। एक्चुअली हम में से 9 लोग आए थे लाइक बाजार की तरफ, और 4 लोग किसी और तरफ चले गए हैं और हम 4 यहाँ पे और एक वापस चले गए हैं। तो एक्चुअली उन्होंने थोड़ा रेनकोट वगैरह कुछ लेने का सामान यहाँ पे, तो चलो देखते हैं आगे। ये वाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट लग रही है। तो यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है, बट लकीली उतनी ज़्यादा बारिश वैसा हो नहीं रही है फिलहाल, वगैरह तो होगी। और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र की ओर, एक्चुअली थोड़ा पास में ही है यहाँ से, लाइक इस डायरेक्शन में थोड़े से डिस्टेंस पे है। एक्चुअली सामने है ब्रह्मपुत्र और हम ढूंढ रहे हैं क्रॉसिंग। तो ये है ब्रह्मपुत्र, अच्छी दूर से लग रहा था कि यहीं से शुरू होती है बट फिर आगे से शुरू हो रही है। बाकी लेफ्ट साइड में थोड़ी बोट्स वगैरह भी हैं। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र। थोड़ा गंदा हो रखा है और काफ़ी कूड़ा भी फेंक रखा है यहाँ पे, बट स्टिल साइज काफ़ी बड़ा है इसलिए जाके अपने साथ भाग के ले जा रहा सब कुछ। ये छोटी छोटी लहरें बन रही इसमें, वो दूर की ये डक्स हैं या कूड़ा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो सामने जा रहा है ये आई गेस वो उसी तरह की फेरी सर्विस है जो बाइक्स कार्स को लेके जाती है एक साइड से दूसरी साइड, शायद उस तरफ जाएगी जैसे कोची में थी। एक्चुअली उस तरफ केबल कार सर्विस भी है, जब मैं लेट हो रहा हूँ अदरवाइज में भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये था ब्रह्मपुत्र, हम चलते हैं वापस। फिर मिलेगा, फिर मिलेंगे भाई, जम्मू आएंगे ना तो मेरे को कॉल कर देना, ठीक है? आप भी नंबर दे देना आपका, हम मैंने अभी इनका शेयर किया। अच्छा रुको मैं देता हूँ, ठीक है भाई आपका नंबर तो है ना इसके साथ। ये कुछ मॉल वगैरह यहाँ पे, हाँ
नेक्स्ट एक और मॉल है यहाँ पे, रुद्राक्ष नाम है इसका। तो ये मेरा बेड था, मतलब ठीक जगह थी भाई, जब आप बड़े ग्रुप के साथ रहते हो तो फिर ऐसी जगह सही रहती है। अभी चलते हैं, आप एक बार याद कर लूँ, कुछ रहता था नहीं है। तो चलते हैं भाई इस बेटी, जहाँ से मिलेगी सिलीगुड़ी की बस, और उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली मेरा भी प्लान नहीं कि वहाँ से क्या करना है, बट फिलहाल वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। एंड ये है बल्टन बाज़ार का नेपाली मंदिर। एक्चुअली आइस ब्रिज जाने के लिए यहीं से बस मिलेगी आई गेस। सो ये पहुंच गया हम आइस ब्रिज। वैसे एक्चुअली बसेस यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि बसेस गवर्नमेंट की और प्राइवेट एजेंट्स हैंडल करते हैं। बस आज तो काफ़ी ज़्यादा रश है एज़ कम्पेयर टू उस दिन के, पूरा ऑलमोस्ट फुल है, ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। एक्चुअली अंदर भी वेटिंग रूम है बट यहाँ तो और ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली दो बार मेरी चेकिंग हो गई है, पता नहीं मेरे को देख के क्या लग रहा है इनको, बट दो बार पुलिस ने चेक कर लिया मुझे। कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, फाइनली बस आ गई है। वैसे 6 बजे का टाइम था बट 6:23 पे आ गई है, 6:43 पे निकल रहे हैं हम, टाइम 6 बजे का था। काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, ये देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं भी सिलीगुड़ी पहुँचने वाला हूँ, और एक्चुअली कल रात को बहुत बारिश हुई थी और काफ़ी बारिश तो लाइक अंदर भी नहीं थी लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से, सो लाइक सीट भी गीली हो गई थी, काफ़ी मुश्किल आई कल रात को। बाकी अभी प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ कलिमपोंग, ये एक यहाँ से अराउंड 2-2.5 घंटे का रास्ता है। सो मैं एक बार कहा था कि जब मैं 0.6 km में था तो किसी ने मुझे इनवाइट किया हुआ था कलिमपोंग, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। सो ये है सिलीगुड़ी बस स्टैंड। सो यहाँ पे दो बस स्टैंड है, एक ASTC का है और ये शायद सिलीगुड़ी का है, नॉर्थ बंगाल स्टेट STC है। सो यहीं से आई गेस कलिमपोंग के लिए मिलेगी पहले। सो ये बस जा रही है कलिमपोंग, बस मैक्स 3 घंटे का रास्ता होगा। बाकी लाइक यहीं से गैंगटॉक की जाती है और यहीं से कलिमपोंग की जाती है। जो कलिमपोंग है ये थोड़ा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू गैंगटॉक। आई गेस ये अलग रास्ता है, और जो सामने वाला रास्ता है वो मैं भी गैंगटॉक ले जाता है और ये अलग जगह के लिए जा रहा है। ये आ गया कलिमपोंग। सो इस तरफ मुझे कहीं जाना है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। सी यहाँ पे तो फॉग हो रखी है बट इतना ठंडा मौसम नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मैं हूँ अभी कलिमपोंग में, और ये एक्चुअली वही होस्ट का घर है मेरे,
काफ़ी बड़ा घर है ये, एक्चुअली 4 स्टोरीज है, ऊपर कैफे भी है इनका। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से। और क्या रहा बिस्तार ही जानू ताप पे पहिला देख्नु एक्चुअली अभी हम वो पूरा एरिया कवर करके आए हैं गाड़ी में, वो पूरा वहाँ से पूरा काफ़ी सही व्यू है यहाँ से, और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा सही है यहाँ पे।